हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको इस वीडियो के माध्यम में कुछ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसी है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयरन है। अमरूद के लिए उपयुक्त पीएच मान है 6.5 से 8.2। जो पीएच मान होती है वो अमरूद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए मृदा का पीएच मान होता है, अरे यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हुई, यहाँ पे होगा क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। यहाँ पे मृदा के आगे आप लोग क्षारीय लिख लीजिएगा। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम की एक घटक है वो कौन सी है, कौन सा घटक है? वो है मध्य पटल का है। कैल्शियम की घटक कौन सी? मध्य पटल का है। चलिए सर्वाधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है वो क्या है? सर्वाधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया है। नहर के किनारे वाली मृदा कहलाती है क्षारीय मृदा कहलाती है। नहर के किनारे वाली मृदा कहलाती है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है? एक एकड़ जो भूमि होती है उसमें कितना वर्ग फीट होता है? तो वो होता है 43,560 वर्ग फीट होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा की किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? मृदा को हम किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? वो है पेनेट्रोमीटर के द्वारा मृदा को हम नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नींबू में डिसबैक बीमारी किसकी कमी से लगती है? वो लगती है कॉपर की कमी से लगती है। चलिए सेब का, ये हो गया गलत क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है सेब का गिरना किसकी कमी से, और सेब जो होता है किसकी कमी से टूट कर गिरने लगता है? वो भी कॉपर की कमी से टूट कर गिरने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ।